बार इसको आप धो लीजिएगा, बस एक ही बार धोने, और धो के इसको हम फैला लेंगे एक प्लेट पे। मैंने पेपर टॉवल बिछा दिया और मैंने इसको छन्नी में इस तरह से डाल दिया था जिससे मैक्सिमम जो पानी है ना उसका निकल जाए। और इसको फिर हम इस पर थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए फैला के रख दूँगी मैं इस दाल को। तो इस तरह से आप चाय की छन्नी में भी छान सकते हो जिससे मैक्सिमम पानी निकल जाए इसका। आधे पौने घंटे के लिए रख दीजिएगा इस तरह से करके। के बाद में ये देखिए दाल ऐसी हो गई है। इसको इस तरह से हाथ से आप जोड़ भी जाएगा, इस तरह से आप तोड़ लीजिएगा दाल को। तो अब मैं गैस ऑन करके इसको स्लो हीट पे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी, लाइट ब्राउन करूँगी। अब आप इसको, इसके बाद आप इसको ठंडा कर लेना और इसका हम पाउडर बनाएंगे। और ये जो है आप तो ये प्रोसेस आप एक दिन पहले भी कर सकते हो या आप इसका बहुत सारा इकट्ठा पाउडर बना के भी रख सकते हो। अब मैंने इसको ठंडा करने के बाद इसी के अंदर इलायचियाँ डाल के, हरी इलायची डाल के मैं इसको पीस लूँगी। इस तरह से मुझे लगता है कि जो इलायची की जो खुशबू है ना, जब भूनते हैं धीरे धीरे तो बहुत खिल के आती है हलवे में, ऊपर से आपको नहीं लगती, वो मर्ज भी हो जाती है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसके साथ मैंने एक बोल शुगर लिया है और जो हमें पानी लेना है, जो हमें लिक्विड डालना है मतलब, वो डबल डालना है क्योंकि एक कटोरी दाल में दुगना जो है लिक्विड जाता है। तो मैंने दूध और पानी सेम क्वांटिटी में लिया है। इसको मैं अब क्या कर दूँगी, माइक्रोवेव में रख दूँगी, थोड़ा सा गर्म करूँगी ताकि हो जाए हमारा सेफ्रॉन डिसॉल्व। और पैन में घी लेके और उसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, और मैं होल ही रख रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है आपको काट के डालने, बट मुझे होल ही अच्छे लगते हैं। तो थोड़े से निकाल लिए सिर्फ ऊपर से गार्निश करने के लिए। और अब ये पाउडर आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसको आपको स्लो हीट पे, मैंने साइड में इसलिए करा है कि थोड़ा मुझे लग रहा था कि पैन ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा ये कम हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे करके घी डालिएगा, एक साथ सारा घी मत डालना, एंड तक आप धीरे धीरे घी डालेंगे। अब आप इसको ब्राउन कीजिएगा, ब्राउन इस तरह से जो हलवा है ना बहुत जल्दी बनता है। आप पीठी बना के बनाओगे तो बहुत टाइम लगता है, इस तरह से ये जो हमारा हलवा है, जो हमारी मूंग दाल है ना, वो बहुत अच्छी तरह से भुन भी जाती है और बहुत अच्छा हलवा बनता है। और इजी मेथड है ये, बहुत मुझे इजी लगता है। तो अब आप इसमें डाल दीजिएगा दूध और जो पानी का मिक्सचर है, अब आप इसको मिक्स करते जाइए ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स ना बने। धीरे धीरे आप इसको मिक्स करते चाहिए। और इसमें अभी क्या होगा कि दाल जो है वो डबल हो जाएगी, तो मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ी जाएगी। और जब ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगी दाल और सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। फिर चीनी भी धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी और वो भी इसमें अच्छी तरह से मर्ज हो जाएगी, उसका स्वाद भी। अब आप इसको मिक्स करते रहिएगा और आँच आपको स्लो ही रखनी है, बिल्कुल मीडियम आप रख सकते हो। और साथ साथ आप मिक्स करते जाइए। अब आप देखिएगा कि अभी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी जो चीनी है। और मैं इसमें कोई भी कलर नहीं डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कलर डालना चाहते हो तो आप इसमें कलर डाल सकते हो, पर मैं किसी भी खाने में आर्टिफिशियल कलर बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। तो मेरे लिए स्वाद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी फैमिली खुश होनी चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए। और ये जो मैं बता रही हूँ ना अभी आपके लिए, जो ये लास्ट का प्रोसेस है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है चाहे कोई भी हलवा बनाओ। तो अब जो धीरे धीरे घी डाल के जो हम भुनेंगे ना, चाहे गाजर का हो हलवा, चाहे सूजी का, चाहे बादाम का, किसी भी तरह का हलवा बनाओ, जो लास्ट में आप ये इस तरह से लास्ट में 5 से 7 मिनट भुनोगे और जो घी इसका अलग होगा, तो वो आपके हलवे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा।
ताकि सब बोल, कोई भी आप अगर किसको भी खिलाओगे तो वो बोलेगा कि हलवा बहुत अच्छा बना है। तो ये लास्ट वाला प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरे लिए अभी तक ये हलवा नहीं बना है, ये हलवा मैं इस पर 5-7 मिनट लगाऊंगी स्लो आंच पे, धीरे धीरे घी डाल के। आप देखिएगा धीरे धीरे ये साइड्स भी छोड़ देगा, एकदम आपका पैन क्लीन हो जाएगा और स्पैचुला से भी अलग जब होना शुरू हो जाएगा तब मेरे लिए हलवा बनेगा। तो आप ये देखिए इस तरह से, तो आप थोड़ा थोड़ा घी डालते जाइए और ये बहुत ही अच्छा बनता है। ये हलवा बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। तो आप ये रेसिपी जो है एक बार ट्राई करना, बहुत आसान है। आप पहले का प्रोसेस अगर पहले कर लेते हो तो बहुत आसान है। और अगर आपको खोया डालना है तो डाल सकते हो, पर मुझे खोया ऊपर से नहीं पसंद, इसलिए ये सिंपल, एक बिल्कुल सिंपल सा ऑथेंटिक सा बस हलवा है, पर बहुत ही मज़ेदार है। आप ये रेसिपी जो है ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।